हेलो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के इस न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टू टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक पाई एप्लीकेशन की केवाईसी को लेकर है, जिसे आप प्ले स्टोर में देख सकते हैं। यहां पर यह एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, क्या इसी एप्लीकेशन के द्वारा केवाईसी हो रहा है? ऐसा मेरे कई दोस्तों ने पूछा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि पाई की केवाईसी का एप्लीकेशन, जिसे आप प्ले स्टोर पर देख रहे हैं, जिसके द्वारा केवाईसी के लिए चार्ज भी रखा है, यहाँ एक केवाईसी के लिए आपको इतना चार्ज देना होगा, जो कि ऐसा इस एप्लीकेशन में मेंशन किया गया है। दोस्तों, पाई कोर टीम की ओर से ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन या ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि आपका केवाईसी ऐसे एप्लीकेशन से होगा। पाई की केवाईसी केवल योटी एप्लीकेशन के द्वारा होगा। योटी एप्लीकेशन ही एकमात्र साधन है जो पाई की केवाईसी करती है, ऐसा पाई को टीम ने पहले भी बताया था, और अभी किसी और सिस्टम से पाई की केवाईसी नहीं हो रहा है और योटी एप्लीकेशन के द्वारा उसी पाइनियर्स की केवाईसी हो रहा है जिनके पाई एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ रहा है। और योटी एप्लीकेशन से केवाईसी जिस पर्सन का हो रहा है, उनसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो प्ले स्टोर पर आप देख रहे हैं, पाई की केवाईसी के लिए ये जो एप्लीकेशन है, इस पर आप बिल्कुल विश्वास न करें और न इसके झांसे में आएं। आप अपनी पाई को खुद सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए आप अपनी डिटेल्स को कहीं भी शेयर ना करें। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि न्यू वर्जन ऑफ द ब्रेनस्टॉर्म ऐप पर है। दोस्तों, ब्रेनस्टॉर्म का यह न्यू वर्जन, नया संस्करण, केवल पाई एप्लीकेशन पर अपने विचार को शेयर करने के लिए पाई कोर टीम ने ऐसा वर्जन पाई एप्लीकेशन में अपडेट किया है, जिसमें अगर आप अपने विचार शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी होता है कि भाई, इतना टाइम किसके पास है कि पाई पर एक लंबा सा आर्टिकल के द्वारा अपने विचारों को रखा जाए, या इतना टाइम किसके पास है? हम तो केवल 24 घंटे में एक बार 2 मिनट के लिए ओपन करते हैं एप्लीकेशन को और माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर कहाँ ध्यान रहता है? दोस्तों, ब्रेनस्टॉर्म का वर्जन इस एप्लीकेशन में अपडेट करने का पाई कोर टीम का केवल एक ही मकसद है कि पाई एप्लीकेशन का फ्यूचर कैसा होगा और आने वाले समय में हमें कैसे प्रभावित करेगा। यहाँ पाई कोर टीम इस एप्लीकेशन पर बड़े लेवल पर काम कर रही है, जैसा कि आए दिन नए नए अपडेट से आपको पता चलता है। फिर भी अगर आपको इस ब्रेनस्टॉर्म के द्वारा अपना विचार शेयर नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा और न ही आपके पाई क्वाइन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा। पाई एप्लीकेशन जो कि एक्सचेंज से जुड़ेगी तो पाई की वैल्यू बनेगा, और पाई एप्लीकेशन में थर्ड पार्टी जैसे कि गेम एप्लीकेशंस, पे पाई मॉल एप्लीकेशन, जिसे हम इकोसिस्टम ऐप की कैटेगरी में रखते हैं, अगर ये एप्लीकेशन पाई की एप्लीकेशन में अपडेट होता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित करेगा, जिसके द्वारा पाई की वैल्यू और तेज़ी से बढ़ेगा। अगर पाई केवल एक्सचेंज से जुड़ती है तो इसकी एक प्रभावशाली, या ऐसे कहें एक बहुत अच्छी वैल्यू बनने में सालों लग जाएगा, 5 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। इसलिए पाई कोर टीम पाई की एप्लीकेशन में पाइनियर्स के विचारों को भी साथ लेकर चल रही है, ताकि थर्ड पार्टी का फोकस और बढ़े पाई नेटवर्क की ओर, और पाई की वैल्यू एक्सचेंज से जुड़ते ही एक अच्छी वैल्यू के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, ये सब इतना आसान भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि जो चीज़ें फ्री में मिली रहती हैं उसकी वैल्यू समझ में नहीं आता है। फिर भी लोगों की जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही है पाई नेटवर्क को लेकर। दोस्तों, पाई की माइनिंग हम एक नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें आप अपना इफ़ोर्ट लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, इसका जितना दम होगा उतना वैल्यू बनना तय है, लेकिन काफ़ी लोगों ने माइनिंग करना बंद कर दिया है या माइनिंग करना छोड़ दिया है, क्योंकि पाई फ्री में हमें मिल रहा है। फ्री में मिली चीज़ों का वैल्यू होता भी नहीं। लेकिन दोस्तों, पाई में आप अपना इफ़ोर्ट दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, इतने सालों से, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। इसलिए अगर इस छोटी सी इफ़ोर्ट से, टाइम से पाई को कलेक्ट करके रख लिया,
तो इन फ्यूचर बड़ा रिटर्न के लिए तैयार रहें। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसे सीरियसली लें और हम सभी एक साथ ग्रो करें। जो लोग डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं वो भी अपना पाई का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करें और अपनी नेटवर्क को बढ़ाएं, जिसके द्वारा हम सभी ग्रो करें। तो दोस्तों, इस वीडियो पर जो नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में बताई गई जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।